हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, रमज़ान का मंथ चल रहा है, तो रमज़ान की रोज़े में इफ्तारी में हम कोई ना कोई नई डिश रोज़ ट्राई करते हैं स्नैक की। तो आज इसी मौके पर मैं भी आपको एक टेस्टी सी स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही चटपटी और चीज़ी बनने वाली है। तो चलिए फटाफट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार दे दूँगी, आप डिटेल में चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से बॉईल करने के बाद पूरा ठंडा होने दें, फिर उसे कम से कम 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ही यूज़ करें। तो आलू को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं, आप फोर्क से कीजिए या फिर अपने हाथों से कीजिए, बस आलू अच्छे से मैश होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद हम ये सब सारे जो मसाले हैं उन्हें ऐड कर देंगे आलू में। यहाँ पर चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा हर्ब्स, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ चाट मसाला यूज़ किया है। साथ ही में 2 टेबलस्पून जो है ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है और 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ का। साथ ही में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्ते ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून जो है यहाँ पर कॉर्नस्टार्च ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथों से, इसमें बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा कॉर्नस्टार्च या फिर ब्रेड क्रम ना यूज़ करें। ये देखिए अच्छे से हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है एक डो की तरह। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे और हमारे ट्रायंगल्स को कोट करने के लिए एक स्लरी सा मिक्सचर बना लेंगे। इसके लिए है यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नस्टार्च यूज़ किया है। आप चाहें तो राइस फ्लोर जो है उसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हर्ब्स और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और पानी के साथ एक लिक्विड सा बैटर बना लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। अब ये जो हमारा ट्रायंगल का मिक्सचर है उसे एक चॉपिंग बोर्ड पर लेंगे। सबसे पहले हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ ताकि ये चिपके ना हाथों पर, और उसे अच्छी तरह से एक शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसे सर्कल शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह से हाथों से हल्का सा प्रेस करना है, बस ट्रायंगल शेप आ जाएगा। इस बैटर को शेप देने के बाद हमें 10 मिनट तक इसे फ्रिज में रखना है ताकि ये हल्का सा स्टिफ हो जाए और हम अच्छे से इसके पीसेस कट कर लें, वरना ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग एक्स्ट्रा नहीं यूज़ की है। ये देखिए 10 मिनट अच्छे से फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से पीसेस में कट हो चुका है। तो इस तरह से हम सभी ट्रायंगल्स जो हैं वो कट कर लेंगे अच्छे से। कट करने के बाद हाथों से हल्का सा इसका शेप जो है वो प्रॉपर कर लें। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो अच्छे से कट कर लिए हैं और इस ट्रायंगल्स को हम इस बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे। और जो हमारी सेवई रखी हुई है क्रश करके हल्की सी, उसको अच्छे से ऊपर से कोट कर लेंगे, एक लेयर बना लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हो ये जो सेवई है यहाँ पर मैंने बारीक वाली यूज़ की है, यानी कि स्मॉल जो होती है वर्मसिली वो। तो इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे हम सभी ट्रायंगल्स को। दोनों चीज़ों से अच्छे से कोट करने के बाद हम इन ट्रायंगल्स को 10 मिनट तक फ्रीज़र में रखेंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए, और इस वजह से जो है ये ट्रायंगल्स जो हैं अच्छे से शेप ले पाएंगे, यानी कि स्टिफ हो जाएंगे। इस तरह से सभी ट्रायंगल्स को मैंने कोट कर लिया है और 10 मिनट तक इन्हें फ्रीज़र में रख कर ये देखिए इस तरह से बाहर निकाल लिया है। इस स्टेज पर आप एयर टाइट कंटेनर या फिर एयर टाइट बैग में इन ट्रायंगल्स को रख कर कम से कम एक मंथ के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम मकेन्स यूज़ करते हैं उस तरह से। तो एक पैन में ऑयल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इन ट्रायंगल्स को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखें, ना ही लो करें ना ही हाई। ये देखिए इस तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं हमारे ट्रायंगल्स। तो इस तरह से फ्राई कीजिए और एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। मैं आपको इनकी जो क्रंचीनेस है वो सुना दूंगी, ऊपर से जो बहुत ही क्रंची है और अंदर से हल्के से सॉफ्ट से हैं, आप सुन सकते हैं। तो इस रमज़ान में इस स्नैक की रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर से ट्राई करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कभी भी चटपटा टेस्टी और चीज़ी स्नैक खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। मेरी अदर रेसिपीज भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।